लेकिन आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टे, मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल उठा सकता है, परसों ऑर्डर आ सकता है। अगर कमेटी बनाने वाली बात है तो मानो कि ये ठंडे बस्ते में जा रहा है, तो इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। बात सीधी सी है कि इसको रिपील करना है। हम चले भी जाओ और हम ना भी जाओ, सरकार के पक्ष का फैसला आएगा। कोर्ट ने अपनी तरफ से नाम तय कर दिए, तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर सदस्यों की राय तो सरकार से ही मिलती जुलती है, तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। देश में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन करने का अभी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में ये चार सदस्य शामिल हैं: जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटे और अनिल धनवत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद योगेंद्र यादव ने लाइव होकर जनता के सामने कुछ बातें रखी और अपनी मंशा भी जाहिर की। दूसरा ऑर्डर है स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के कार्यान्वयन पे स्टे दे दिया है। कार्यान्वयन पे स्टे है, कानून का स्टे नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर कोई टिप्पणी नहीं की। आमतौर पर स्टे ऑर्डर कब मिलता है? जब कोर्ट कहता है कि ये कानून पहली नजर में तो इलीगल लगता है, जिस पे स्टे ऑर्डर दे देते हैं, बाद में देखेंगे। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने नहीं कहा कि पहली दृष्टि में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बात हम कहते रहे हैं उसके बारे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। बस अभी मतलब सुलह सफाई हो जाए इसके लिए हम इसको बस सिर्फ स्टे दे रहे हैं। कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था, मुझे भी महसूस होता है कि भाई अगर आप स्टे दे रहे हैं तो कारण तो दीजिए ना, किस कारण से आप स्टे दे रहे हैं? क्या सिर्फ सुलह सफाई के लिए स्टे दिया जा सकता है? खैर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उन्होंने दिया है, स्टे दिया है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टे है। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल उठा सकता है, परसों ऑर्डर आ सकता है, दो हफ्ते बाद आ सकता है, दो महीने बाद आ सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ। ये जो मोदी जी का महल बन रहा है ना राजपथ के ऊपर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, बहुत लोग बड़े खुश हो गए, साहब स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको रोक दिया है। एक महीने बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, नहीं सब कुछ ठीक है, स्टे हटा दिया, काम खत्म हो गया। तो स्टे है लेकिन टेम्पररी स्टे है, और ये वो मांगने के लिए लाखों किसान दिल्ली आए। हम स्टे मांगने नहीं आए, हम इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है इस पर भी विवाद जारी है। कांग्रेस ने कमेटी के सदस्यों पर आपत्ति जताई है और इस मुद्दे पर कुछ अधिक जानकारी भी दी है। चार सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से तीन काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया के ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। अलग अलग पत्रकारों ने किसान नेताओं से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात की और सवाल भी पूछे। इसके अलावा एनडीटीवी के पत्रकारों ने भी कुछ किसानों से बात की और उनके अगले कदम और इस फैसले पर उनके विचार जानने की कोशिश की। जो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है और एक कमेटी बना दी है चार सदस्य, उसको असी रद्द करते हैं, उसको नहीं, उसकी मानने वाले नहीं है। असी पहले ही बोल दिया था कि असी किसी कमेटी में विश्वास नहीं रखते, ये डिले करने के लिए किया गया है और इसको जो 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 है कानून है उनका इसको दाह पेच कानूनन है जो उसमें फंसाने के लिए किया गया है और संघर्ष को तार पीड़ो करने के लिए किया है। इसका कोई भी इसका नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए असी इसको रद्द करते हैं। अगर कमेटी बनाने वाली बात है तो मानो कि ये ठंडे बस्ते में जा रहा है,
तो इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है। बात सीधी सी ये है कि इसको रिपील करना है, तो रिपील करने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो बोले सरकार को कि आपको हम चार रोज का पाँच रोज का समय देते हैं, उतने समय में आप इसको रिपील करके हमको बताए, तो ये ठीक है, सिस्टम है, लेकिन ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर मानकर सरकार उसको रिपील करके फिर सुप्रीम कोर्ट को बताए। पत्रकार अजीत अंजुम ने राकेश टिकैत से बात की और इस फैसले पर उनकी मंशा जानने की कोशिश की और उनका अगला कदम क्या होगा इस पर भी सवाल किए। कमेटी को कबूल नहीं किया तभी तो कमेटी बनी। हाँ तो हम क्या कमेटी में जा रहे हैं भाई, हम क्या कमेटी में जा रहे हैं, उदे तो अपना फैसला सुना दो कमेटी, हमें पता कमेटी क्या फैसला देगी, हम चले भी जाओ और हम ना भी जाओ सरकार के पक्ष का फैसला आएगा, कानून के पक्ष पता है ना। अब आप टिकर पे बेर लगते देखे या जामुन के पेड़ पे आम लगते देखे, वो तो पेड़ देखेगा बुआगा फल तो वही देगा ना। अगर किसी के इंक्वायरी करनी हो आपको, उसका व्यवहार अपने भाई के प्रति कैसा है, आप उससे उसका पूरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसकी कर सकते हो। इनकी जो पिछले 30 साल की जो इनकी कार्यशैली है, आप उसको डाटा उठा कर देख लो, तो वही तो काम करेंगे। अब ये दूसरे पार्ट थोड़ा पढ़ लेंगे। तो ये डेडलॉक कब खुलेगा आप कोई पता नहीं, अब क्या पता जब सरकार चाहेगी फिर खुलेगा। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की और कुछ जानकारी देश के साथ साझा भी की। उन्होंने कमेटी के सदस्यों के बारे में जानकारी दी कि वे इन कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि समिति में कौन होगा नहीं होगा ये अदालत तय करेगी। कोर्ट ने अपनी तरफ से नाम तय कर दिए, तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर सदस्यों की राय तो सरकार से ही मिलती जुलती है। जैसे समिति के सदस्यों में से एक प्रोफेसर अशोक गुलाटी शुरू से ही इस कानून के समर्थन में है, कृषि कानूनों के समर्थन में अनेक लेख लिख चुके हैं। प्रमोद जोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि कृषि कानूनों में जरा भी बदलाव हमारी कृषि को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने से रोक देगा। इसी अखबार के एक अन्य लेख में लिखते हैं कि इन तीन कानूनों को हटाने का मतलब है खेती के पूरे सेक्टर की बर्बादी और किसानों की भी। भूपिंदर सिंह मान राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। 14 दिसंबर 2020 के हिंदू में एक खबर छपी है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कृषि मंत्री से मिलकर कुछ संशोधनों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया है। गोदी मीडिया में भी इस मुद्दे पर चर्चा देखने को मिली, देखते हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। नए कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, किसान नेता नरमी क्यों नहीं दिखा रहे, सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े हैं किसान। ये हुंकार सुनी आपने किसानों की, 26 जनवरी को ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करेंगे, अब क्या कीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात सुनेंगे ये किसान नेता। जिन चार लोगों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में रखा गया है वो तो कानूनों के समर्थक है, कानून तो रुक गए हैं, क्या आंदोलन रुकेगा। फैसला देश के संविधान से नहीं तो क्या सड़क से निकलेगा, देश संसद से या सड़क से, मतलब ये तो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हो गई ना एक तरीके से। सुप्रीम ऑर्डर खाली होगा बॉर्डर। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं के साथ साथ कांग्रेस ने कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना है तो कानून बनाना पड़ेगा, तो फिर रद्द करवाने की जरूरत क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है, किसानों की मांग कानूनों को रद्द करने की है और सरकार इसे रद्द नहीं करना चाहती। अब देखना यह होगा कि क्या कमेटी इस मुद्दे पर कुछ कर पाएगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।